इक्वेशन एक्स वाई के प्लेस पे हम 8 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखें वाई के प्लेस पे इस तरीके से हम पुट कर सकते हैं, यहाँ पे वाई देखिए एक्स प्लस वाई इज़क्वल टू 6 एंड वाई इज़क्वल टू 6 माइनस एक्स। अब वाई के प्लेस पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2 तो क्या मिलेगा, देखिए बच्चों यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 माइनस एक्स इज़क्वल टू 8, 6 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज़क्वल टू 8। अब सबको उस साइड ले जाएंगे, मीन्स ये एल एच एस टू आर एच एस शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8। वैन बी सॉल्व इट या स्प्लिट फॉर्म करेंगे तो 4x माइनस 2x तो कॉमन ले लिए, तो x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे देखिए x माइनस 4, यहाँ 2 कॉमन लिए x माइनस 4, इसमें x माइनस 4 एंड x माइनस 2, देन व्हाट वी गेट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2। ना अब x और y और z के वैल्यू या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब देखें अब इसका जो थर्ड पार्ट दिया गया है 6 का बाई इक्वालिटी आप दे तो x प्लस वाई प्लस जेड इज़क्वल टू 9 एंड x प्लस जेड इज़क्वल टू 5, वाई प्लस जेड इज़क्वल टू 7। अब देखिए उस साइड ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, इसको उस साइड ले जाएंगे z को तो माइनस हो गया। अब देखिए x y की वैल्यू इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, ये देखिए फर्स्ट में पुट करेंगे x इज़क्वल टू 5 माइनस जेड, y इज़क्वल टू 7 माइनस जेड। वैन बी सॉल्व इट, z से z कैंसिल हुआ 12 माइनस जेड एंड z इज़क्वल टू 3 आया। अब देखिए x इज़क्वल टू 5 माइनस जेड इसमें रख दिया तो जेड की वैल्यू 3 आया, 2 आया, जेड की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 2 आया, यहाँ पे जेड की इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 4 आया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी इन द एज अ फॉर्म ऑफ इक्वेशन। देखिए a माइनस बी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में मेंशन किया गया है, देखिए a माइनस बी इक्वल टू माइनस 1, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 3c प्लस डी इक्वल टू 13। अब देखिए a माइनस बी इक्वल टू माइनस 1, अब इसको उस साइड ले जाएंगे प्लस हो जाएगा। अब देखिए गाइस आप क्या करेंगे, हम अब इसको देखिए हम इस तरीके से 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू b। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे क्या आएगा, a इक्वल टू a 1 माइनस 2a हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो व्हाट वी गेट, अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा देखिए 1 माइनस ये इस साइड जाएगा, ए इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, इस साइड आएगा प्लस, 2a माइनस ए इक्वल टू 1। अब ए की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, b इक्वल टू 2 आया। सिमिलर a 2 1 जा 2 प्लस सी, देखिए 2a प्लस सी इक्वल टू 5 हो गया तो यहाँ पे 2 इंटू 1 2 1 जा 2 और 5 में 2 सबट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा। सिमिलर देखिए अब यहाँ पे क्या है, 3c प्लस डी इक्वल टू 13, सी के प्लेस पे 3 आया, 3 या 9 और 9 में जब 13 में 9 सेपरेट करेंगे 4 आएगा। देयरफॉर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 एंड डी इक्वल टू 4। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे आई जे इक्वल टू एम इंटू एन इज़ द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ, यदि एम और एन दोनों सेम हो। स्क्वायर तभी होगा जब आई इक्वल टू जे बोथ आर सेम, जब दोनों वैल्यू सेम होंगे तभी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसी तरीके से 9 नंबर है, यहाँ पे सेम कंडीशन है, देखिए 3 प्लस 7 इक्वल टू 0, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे है, यहाँ पे नॉट पॉसिबल होगा क्योंकि एक भी ऐसा नहीं है जो कि इसकी मैट्रिक्स इक्वालिटी फॉलो करे, मैट्रिक्स इक्वालिटी फॉलो नहीं कर रहा है। अब इसी तरीके से द नंबर ऑफ ऑल एज अ पॉसिबल मैट्रिक्स 3×3 मीन्स विद ईच एज अ एंट्री 0 R1 इज, तो 0 R1 इज करेंगे तो 512 आएगा। अब इसको सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डालेंगे। आई होप इट इज़ द क्लियर।